हाँ जी, तो क्या हाल है? होप कर तो सारे बढ़िया ही होंगे। और आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस है। मतलब आज हम मजाक नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम इस पर मजाक नहीं कर सकते। तो टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है। मेरे एक्चुअली दो टॉपिक हैं, एक है रोड एक्सीडेंट पे और एक है रोड रेज पे। मतलब मैंने देखा है नॉर्मली बाहर, मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया, आप भी डेली एक्सपीरियंस करते होंगे इस चीज़ को, कि रोड एक्सीडेंट और बाहर जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारी मतलब चलाते चलाते कोई बहस किसी से हो जाती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। मतलब छोटी सी बात होती है, हम उसका मतलब सामने वाला या हम दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, हम उसका इतना बड़ा इश्यू बना लेते हैं कि लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे को मारने पर हो जाते हैं और कई लोग मार भी देते हैं। पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक जगह से आ रहा था और रात थी, मतलब करीब करीब 11:30-12 बजे का टाइम था। और मैं ना एक मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ नॉर्मली लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, बट उस टाइम शायद वो नहीं जल रही थी या कुछ प्रॉब्लम थी। तो एक रिक्शे वाला ही होगा वो, तो वो ना ज़मीन पे पड़ा हुआ था, पी रखी थी उसने, और उसके ना सर से या वैसे बड़ा खून बह रहा था। तो अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे को रोक लिया वहाँ पे उस टाइम, और उन लोगों ने भी पी रखी थी, तो मुझे समझ नहीं आया मैं रुकूँ या ना रुकूँ, लेकिन मैं रुक गया। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। अंधेरा था वहाँ पे काफ़ी, और मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर जी ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई। तो मैंने कहा कहता है कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई है और ये ना बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है और काफ़ी देर से खून बह रहा है। और वो लोग ना बंदे तीन थे, ऑटो में बैठे हुए थे और एक ऑटो वाला था, वो तीन बंदे थे, तीनों ने शराब पी रखी थी। और तो मेरे को लगा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने टक्कर मारी है क्या इनको? तो कहते नहीं 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 हमने टक्कर मारी है, काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, हम भी यहाँ से निकल रहे थे, हमें भी पता नहीं चला, और ऑटो ये बिल्कुल सामने आया हुआ था, तो हमने ऑटो रोक लिया। तो मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दो और इसको किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुँचा दो, ये मर जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने पहले सोचा कि मैंने कहा क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। दिमाग में एकदम बंदे के आता है कि पता नहीं कोई अपने पे उल्टा केस ना पड़ जाए, नॉर्मली लोग सोचते हैं ये, तो मैंने भी उस टाइम ये चीज़ सोची। तो हुआ ये कि मैंने ना फिर मैंने कहा चलो यार, ये तो बात की बातें, जो होगा होगा, फिलहाल इस बंदे को बचाना है। तो मैंने फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल किया, पहले मैंने पुलिस को फ़ोन किया, फिर उन्होंने फटाफट से रिस्पॉन्ड दिया, फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तो उन हुआ ये कि मेरे को ये दिल्ली की सर्विसेज कहीं ना कहीं ये अच्छी लगती हैं कि मैंने एक बार एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस वहाँ पे एक बार फ़ोन कर रहे पर करीब करीब 2 से 3 एम्बुलेंस वालों का फ़ोन आ गया मेरे पास। मतलब उन्होंने आपस में क्या बात करी होगी, मैंने जैसे फ़ोन किया कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे एक बंदा है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से कि कौन है, क्या है, कहाँ पे, एड्रेस पूछा उन्होंने मेरे से, और कोई फालतू सवाल ना पूछ के कि नहीं हम अब आएंगे। वो 15 मिनट में आ गए वो लोग उस टाइम पे, और उसके साथ साथ फिर 5-7 मिनट बाद पुलिस वाले भी आ गए फटाफट से, उसी टाइम ही जैसे एम्बुलेंस वाले आए, मैं 15 मिनट मैंने वहाँ पे वेट किया और मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ क्या, मैं क्या करूँ। तब तक मैंने वेट किया, उस बंदे को वहीं पड़ा रहने दिया, और जो भी आसपास से निकल रहा था, अच्छा देखा मैंने कोई नहीं रुक रहा वहाँ पे, कोई रुकने की कोशिश नहीं कर रहा, देख रहे पूछ रहे क्या हो रहा है, जहाँ पता चला एक्सीडेंट केस है वो सारे निकल जाते। तो अब वो एम्बुलेंस वाले आए, उन्होंने बिठाया उसको और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने इसको पानी तो नहीं पिलाया? तो मैंने कहा नहीं नहीं पानी नहीं पिलाया। कह रहे पानी नहीं पिलाना चाहिए आपको, क्योंकि केस ऐसा है कि अगर पानी पिलाएंगे तो वो जहर बन जाएगा और बंदा मर सकता था। तो चलो अच्छी बात है, उन्होंने काफ़ी मेरे को थैंक यू बोला, पुलिस वालों ने भी और एम्बुलेंस वालों ने भी। मैंने उसको उठा के, बहुत शराब पी रखी थी उस बंदे ने, और वो बाकी तीन बंदों का बहुत थैंक्स करता हूँ मैं कि उन्होंने वो रुके उस चीज़ के, जब उन्होंने शराब भी पी रखी थी लेकिन वो रुके वहाँ पे, उस बंदे की उन्होंने टेक केयर करी, रिक्शे वाला ही था वो बंदा, और उठा के उसको फिर हमने एम्बुलेंस पे, पहले तो एम्बुलेंस आई, फिर हमने सारी बातचीत करी एम्बुलेंस वालों से 2-4 मिनट, फिर एम्बुलेंस वाले आए, और पहले पुलिस वाले ही आ गए थे बेसिकली, पुलिस वाले पहले आ गए थे। तो पुलिस वाले ने कहा कि हम उठा के ले चलते हैं, तब तक लेट हो जाएंगे। तो इतनी देर में वो एम्बुलेंस ही आ गई थी, तो हमने उसको एम्बुलेंस में डाला उस बंदे को, और एम्बुलेंस फटाफट ले गई। उसका जितना सामान था, शायद फ़ोन भी गिरा हुआ था उसका, और पोटली एक थी, हमने उसके सामान चप्पल अप्पल सब उसके डाली और वो हॉस्पिटल ले गए। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना, कोई रुकता नहीं है इसके अंदर, इस एक्सीडेंट में ऐसा कोई, मतलब सब देखते हैं, भीड़ लगा लेते हैं। हाईवे पे भी आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होते हैं ना, सब भीड़ लगा लेते हैं, शक्लें देखते हैं एक दूसरे की कि कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा। इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वहाँ पे खड़े होकर भीड़ लगा लेंगे जैसे कि कोई नाटक चल रहा है। या तो यार आप हेल्प करो किसी की, आप रुके हो किसी की हेल्प करो, आगे आपको भी भगवान ना करे किसी को मदद की जरूरत हो सकती है, आपके अपने को किसी को मदद की जरूरत हो सकती है, आप रुकोगे ही नहीं क्या उस टाइम भी? तो ये केसेस इतने होते हैं ना, मतलब लोग रुकते नहीं है, लोगों को परवाह ही नहीं है, बस फेसबुक पे और वैसे लोग बतेरी बातें कर लेंगे कि शेयर कर देंगे वीडियोस, हेल्प करो जी हेल्प करो, कोई खुद कुछ नहीं करेगा उस टाइम पे। अगर आपके सामने चीज़ें हो रही हैं तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं करते। सेम एक चीज़ मेरे साथ और भी हुई, मैं फरीदाबाद से दिल्ली आ रहा था कैब में, और जैसे कैब चल रही है तो मेरे सामने सामने एक बंदा, पता नहीं क्या हुआ उसको, और वो गिर गया एकदम से अचानक से,
और वो गिर गया, तो वो उसका एक बेसिकली सर पत्थर पे लगा, साइड में पत्थर पड़े हुए थे, हाईवे पे ही था, और उसका पत्थर पे सर लगा और वो ना एकदम बेहोश सा हो गया, काफी चोट आई उसको और वो एकदम गिर गया, पता नहीं चला कि किसी ने घेरा, मेरे सामने सामने गिर गया वो, शायद वो रोड़ी पड़ी होती साइड में उससे फिसल गया, वो स्कूटी पे था वो टू व्हीलर पे, और वो फिसल गया एकदम से। तो वहां भी मैं फटाफट से कैब से उतरा, वहां भी सेम चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो अच्छे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं और किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में या रोड रेज में लड़ाई छुड़वाने का काम कर रहे हैं। तो हुआ ये कि वहां पे फिर मैंने उसको उठाया, सेम मैंने भी वहां पे, अच्छा एक बंदा और आया वहां पे, उसके पास थी इको, तो हम एम्बुलेंस का वेट नहीं किया, वहां साथ में एक हॉस्पिटल था, शायद ESI था या कोई पता नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हम उसको फटाफट वहां पे लेके गए, उसकी वो तब तक वो नॉर्मल हो चुका था, ब्लीडिंग बहुत थी उसकी, हो रही थी, तो हमने उसकी फटाफट से ड्रेसिंग कराई, मैं तब तक वहीं था, और ये टाइम अभी का ही है, कोरोना टाइम का ही है, कोविड में ही ऐसा हुआ था, और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया था, और मैंने किसी चीज को नहीं देखा कि नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये है वो है, कि बंदे की जान बच जाए। फिर हमने वहां उसको लेके गए, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कराई, वो बंदा और वो कैब वाला भी बहुत अच्छा था, तो मेरे साथ रहा उस टाइम, और वो इको वाला भी वहीं रहा, इको वाला ने कहा कि सर जी आप चले जाओ हॉस्पिटल में, जब मैं उसकी ड्रेसिंग वेसिंग करा चुका था, उसके घर वालों को फोन भी कर दिया था कि आ जाओ ऐसे ऐसे इशू है, तब तक मेरे को उसने कहा था इको वाले ने कि भैया मैं संभाल लूंगा अपने आप। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, मतलब आप खुद कुछ करो किसी के लिए, बजाय कि आप देख रहे हो उसकी शक्ल देख रहे हो, मतलब हद से ज्यादा, मतलब इतने लोग बेवकूफ हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी फिल्म चल रही है वहां पे, आप देखने लग जाते हो उस चीज को। और अभी एक मेरा एक और इंसिडेंट हुआ अभी, मतलब ये मेरा काफी क्लोज है, मेरा कजन ब्रदर है, पंजाब रहता है वो, और हुआ ये कि अभी जैसे मुझे पता चला, मुझे नहीं पता चला था कि दो दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो पटियाला में किसी हॉस्पिटल में है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं बात करूंगा एक बार तो पूछूंगा उससे हालचाल, और वो कह रहे हैं कि मेजर ऑपरेशन हुआ है। हुआ ये कि वो जैसे कि पंजाब में काफी मतलब रैश ड्राइविंग करते हैं, और मैं उसको इतने अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बहुत नॉर्मल ड्राइविंग करता है, मतलब नॉर्मल अच्छी ड्राइविंग करता है, और वो कह रहे हैं कि जैसे पीछे से किसी, आगे से या पीछे से किसी ने बहुत तेज टक्कर मारी और वो गिर गया, और उसको उठाया लोगों ने और उसको हॉस्पिटल लेके गए, जिसने टक्कर मारी ना तो वो रुका होगा, मेरे हिसाब से तो वो नहीं रुका, मतलब आप किसी को अगर गलती से आपने टक्कर मार भी दी है, और आप, मेरे को वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो गलत काम करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो बंदा वहां पड़ा हुआ है, किस सिचुएशन में है, क्या उसके साथ हो रहा होगा, नहीं, वो लोग भाग जाते हैं। तो सेम उसके साथ भी यही हुआ है, वो भाग गया होगा ना, वो पकड़ में आया। मेन दिक्कत है फैमिली को, अब वो फैमिली इतनी परेशान हो रही होगी, मतलब बच्चा सामने उनके गिर गया, और अब मतलब फिर उसको इस टाइम पे हॉस्पिटल जाना, उसको ट्रीटमेंट कराना, उसकी सर्जरी हुई है और काफी उसके मुंह के नीचे लगी है, मेरे को पूरा प्रॉपर तो नहीं पता, जितना पता चला वो मैं बता रहा हूँ, और मतलब मैंने ना ये चीजें काफी एक्सपीरियंस कर रखी है, तो ये मेरे को इतना अजीब सा लगता है कि मतलब आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, गलत काम भी करते हो और उसके बाद भाग जाते हो, तो वो आप ये मत सोचो कि आपको कोई देख नहीं रहा है, मतलब ऊपर वाला देख नहीं रहा, आप इतना बुरा आप करते हो उसके बाद आप भाग जाते हो, तो ये और भी बुरी चीज लगती है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होए तो आप वहां रुको, अगर आप चीजें देखते भी हो तो आप उसको हैंडल करो सिचुएशन को, आप ये मत, ये बात की बात है पुलिस क्या होगा और ये क्या होगा, वो कि पहले बंदा तो बच जाए यार, उस बंदे को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करो। तो बहुत आज की मैं देख रहा हूँ रोज डेली कोई ना कोई, अच्छा मैं जरा सी आज मैंने कल की बात है, कल की वीडियो में मैंने बोला भी है, मैं नॉर्मली स्कूटी चला रहा हूँ स्लो, एक बंदे को लग रहा है मैं उसके रेस लगा रहा हूँ, तो उसने मेरे से रेस लगानी शुरू कर दी, अरे भाई क्या हो गया तेरे को, तू चले जा भाई आगे, अच्छा वो मेरे को हूल दे रहा, फिर मैंने कहा भाई तू, मैं साइड में रुका, ये टोल की बात है, फरीदाबाद टोल की बात है, तो मैंने कहा भाई तू निकल जा पहले, तेरे को बहुत जल्दी है जाने की, तेरे को बहुत जल्दी आगे जाना, तो मैंने कहा तू चला जा कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को ना रहता है कि पता नहीं रेसिंग ना लगा रहा हूं मेरे साथ कोई, अरे यार तू कहां जाएगा, कोई बहुत अर्जेंट है, क्या है तेरे को, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या रेसिंग लगाना लोग शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें ना बंद होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, इस पर भी चलान होना चाहिए। कहना मैं इतना ही चाहता हूं कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको हैंडल करो, ये आपके साथ भी हो सकती है, आप भागो मत सिचुएशन से। तो बस आज का यही टॉपिक था मेरा, थोड़ा सीरियस था, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो मेरे को इस चीज़ पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने बनाई, आपके साथ शेयर करी, अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट जरूर करना कि कभी भी किसी ने ऐसी चीज़ कोई एक्सपीरियंस करी है तो इस चीज़ पे कमेंट जरूर करना और मेरे को बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।